वेलकम अगेन टू योर ब्लॉग माता सावित्री किचन। अगर आपका इतनी गर्मी के मौसम में सब्जी बनाने का दिल नहीं कर रहा है तो आज मैं आपके साथ उसका ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बता रही हूँ, हरी मिर्च का अचार। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनेगा। तो देखिए, हरी मिर्च के अचार के लिए मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ले लिया है। ये मिर्च मेरे पास काफी दिनों से पड़ा हुआ था, इस वजह से कुछ कुछ मिर्चों का कलर रेड हो गया है। कोई बात नहीं, आप इसे ले सकते हैं। अच्छे से मिर्च को धुल लेना है हमने, उसके बाद पानी सुखा लेना है, उसके बाद पीछे से डंठल निकाल के पीछे से थोड़ा सा कट लगा लेना है। ये मसालों के लिए देखिए, 1/4 कप मैंने सरसों लिया है, आप काला पीला कोई भी सभी सरसों ले सकते हैं जो आपको इजीली मिल जाता हो। जीरा लिया है मैंने 2 चम्मच, और लहसुन की कलियां, 3 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां ली है, उसको अच्छे से छील लिया है मैंने। अब इन सबको हम ब्लेंडर जार में ऐड करके और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो देखिए, मैं इसे रोस्ट नहीं कर रही हूँ पहले से, सारे मसालों को हम बाद में इसे फ्राई करेंगे। तो सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी यूज करूंगी ताकि मसाले फाइन सा पेस्ट बन सके। तो मैंने फाइन सा पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है इसकी। दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है। अब पैन मैंने एक रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए, पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है। उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करेंगे, अचार अक्सर सरसों के तेल में ही बनते हैं इसलिए मैंने सरसों का तेल यूज किया है, दूसरा ऑयल यूज मत कीजिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें तड़के के लिए, फोरन के लिए हम थोड़ा सा मेथी का दाना यूज करेंगे। मेथी दाना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कड़वा टेस्ट आने लगता है। उसके बाद जो हरी मिर्च कट करके हमने रखा था उसे ऐड कर दूंगी इसमें। इसे लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक हरी मिर्च का हम इसे फ्राई करना है। ये इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार है तो ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। बनाने के साथ ही आप इसे खा सकते हैं। जो तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, चटपटा खट्टा, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं, वरना चावल दाल पर भी इसे खा सकते हैं आप। तो देखिए, हरी मिर्च का कलर चेंज हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी रेसिपी। आप इसे बना के अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हरी मिर्च को हम निकाल देते हैं। सेम पैन मैंने यूज किया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करेंगे। इस समय 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल यूज किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें जो हमने सरसों, जीरा और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को इस टाइम कम कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। ब्लेंडर में जो थोड़ा सा लगा हुआ था मसाले, उसमें थोड़ा सा ही पानी यूज करेंगे हम, धो के उसको डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इस मिक्सचर को हम फ्राई करेंगे जब तक ये मिक्सचर मसाले से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है, तब तक इसे फ्राई करना है हमें। लगातार चलाते रहेंगे, आप चाहे तो बीच में कवर करके बीच बीच में चलाते हुए भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। लगातार चलाएंगे मिक्स करते हुए, कवर करके इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे। और इसमें देखिए, काफी हद तक मसाले फ्राई हो चुके हैं। नमक यूज कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यूज कीजिएगा आप। और हम चेक करेंगे, देखिए तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा, और मसालों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और इसी समय में जो हरी मिर्च को हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। खट्टे के लिए आप आमचूर का भी यूज कर सकते हैं, आमचूर पाउडर, नहीं तो 3-4 बड़े नींबू का मैंने रस निकाल लिया उसे ऐड करेंगे। नींबू का रस यूज करते समय गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए, मिर्च का अचार तैयार है, आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय श्री राधे राधे।